हेलो एवरीवन, मैं सीमा वत्स। इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन में आज सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। उसके बाद केवल एक ही मेथड बचेगा हमारा, बाइलिंगुअल मेथड। इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद जो है ग्रामर से रिलेटेड मेन मेन टॉपिक, और साथ में जो पेडागोजी के भी स्किल्स रह गई है हमारी, और एक दो टॉपिक और बचा है वो करेंगे, साथ में हिंदी व्याकरण भी। तो वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में जो है एक टेबल बनती है, और उसमें क्या है कि हम जो मॉडल सेंटेंस है उसको रख लेते हैं, और उसके कुछ वर्ड्स को चेंज करके और अलग अलग सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं बच्चों को। तो ये जो मेनली जो है ये ग्रामर के लिए यूज़ होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन टेबल इज़ वन ऑफ टीचिंग टेक्निक। एच ई पामर जो है इन्होंने ये टेक्निक जो है अडॉप्ट की, और उसके बाद इसको शेप दी एज अ टीचिंग मेथड। दिस मेथड रिमूव्स द लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की जो भी लिमिटेशंस हैं उनको इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की, एज इट रिमूव स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क। ओरल वर्क पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया, साथ में जो है बच्चों को इग्नोरिंग यूज़ ऑफ मदर टंग, मदर टंग का भी बहुत कम यूज़ किया गया है। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, सबसे पहले जो है बच्चे को कुछ सेंटेंसेस बच्चे को सिखाए जाते हैं टेबल के माध्यम से, और उसके बाद उसको रूल बताया जाता है। तो इंडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग। सब्स्टिट्यूशन मीन्स टू रिप्लेस समथिंग विद अदर थिंग। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही होता है किसी चीज़ को किसी अन्य चीज़ के साथ चेंज करना। तो यहाँ चेंजिंग होगी वर्ड्स की, एक प्रॉपर जो है एक तरीके से हम प्रॉपर एक सेंटेंस, एक टाइप ऑफ सेंटेंस लेंगे, और उसके बाद जो है उसमें अलग अलग वर्ड्स डालकर, और जो है कोशिश करेंगे कि इसमें देखिए, इन दिस मेथड वर्ड्स ऑफ वन सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स। ये देखिए, इसमें देखिए कुछ एक सेंटेंस है, मीन्स इसमें जो है जो मेन जो एक तरीके से इसका मॉडल सेंटेंस है वो है हरी इज़ अ गुड बॉय। मीन्स इज़ अ गुड तो हमने रखना ही है, ये तो पार्ट्स हैं जो हमें अलग अलग सेंटेंसेस के साथ जोड़ने हैं। उसके बाद इन्होंने जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है उनको चेंज करते गए ये, और इस तरीके से हमने बच्चों को जो है बताया कि इज़ जो है हम किस किस के साथ यूज़ कर सकते हैं। As Hari can be, is can be used with Hari, Ram, Suresh और Krishnan और he means हम यहाँ से बच्चे को बता सकते हैं कि singular subjects के साथ is use होता है, साथ में third person singular है उसके साथ भी हम use करेंगे is, और उसके साथ साथ ये objects अलग अलग हमने लगा कर बच्चों को एक model sentence के सहायता से अलग अलग model sentences सिखाए। तो ये है substitution table method। इसके कुछ मेरिट्स और देखेंगे हम, बाकी हमने जो मेन मेन पार्ट है वो कर लिया है, ये सारा रिपीट है वही जो मैंने बोला आपको। तो ये सारा जो है आपको वही चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने आपको सारा समझा दिया है, देख सकते हैं आप लोग। अगर आपको रीड करना है तो कर सकते हैं इसको पॉज करके, एक बार देख लेते हैं अब मेरिट्स। सब्स्टिट्यूशन टेबल प्रेजेंट्स लिंग्विस्टिक मटेरियल स्कीमेटिकली। देखिए, स्कीम एक तरीके से एक पूरी टेबल बनाकर प्रेजेंट किया जाता है लिंग्विस्टिक मटेरियल को। द लर्नर्स कैन लर्न अ लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस विदाउट मेमोराइजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। हाँ, रूल्स ऑफ ग्रामर की जो है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बच्चे को एक मॉडल सेंटेंस दिया जाता है उसके हिसाब से बच्चा जो है अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस लर्न कर पाता है काफ़ी संख्या में। और नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इमिटेशन, या फिर आप समझ सकते हैं रिपीटिशन जो है ये भी एक वे है लैंग्वेज लर्निंग का, तो ये नेचुरल वे है। इंश्योर्स करेक्ट प्रोनंसिएशन आर्टिकुलेशन इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी बाय ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल दी जाती है इसमें एक सेंटेंस के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और भी जो भी पार्ट्स हम चेंज कर सकते हैं चेंज करके, और बच्चों को ओरल ड्रिल दी जाती है। Helps in acquiring command over idioms and phrases, और इसमें जो है idioms और phrases को भी समझने में बच्चे को help मिलती है। The unit of teaching is sentence, not a word, और यहाँ unit of teaching जो है वो sentence है, word नहीं है। ये था substitution method।
अगर आपको लगे कि आपके लिए वैल्यूएबल है तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियोस को। अब जो है हम बाइलिंगुअल मेथड करेंगे और उसके बाद हम अपना ग्रामर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, साथ साथ हिंदी व्याकरण भी और हिंदी जो पेडागोजी है वो भी करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।